हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले क्लास 7 आर एस अग्रवाल मैथ्स से, हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज है आप लोगों की 1C। तो 1A 1B ऑलरेडी आप सभी ने देख ली होगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्लास 7 आर एस अग्रवाल मैथ्स ये प्लेलिस्ट है, ऐसी क्लास 6 आर एस अग्रवाल मैथ्स, क्लास 8 आर एस अग्रवाल मैथ्स। तो एक्सरसाइज 1C चैप्टर नंबर 1 है आपका भाई, इंटीजर है। तो 1A 1B ऑलरेडी आप सबने देख ली, तो 1C आइए हम लोग स्टार्ट कर ले बिना टाइम वेस्ट के। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑनली 3 क्वेश्चन की भी एक्सरसाइज, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का डिवाइड का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? डिवाइड का क्वेश्चन। देखिए तो डिवाइड के हम लोग पार्ट्स आइए कर लेते हैं, सभी लोग कर सकते हैं डिवाइड, तो आप लोग छोटी क्लासेस से वैसे ही करते आते हैं। तो चलिए 65 बाई किससे करना आपको, माइनस के 13 से। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, वैसे तो आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो हम उस तरीके से ही करेंगे, आप लोग को जैसे भी आते वैसे कर सकते। देखिए 65 को डिवाइड करना किससे, 13 से। तो 13 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 5, आंसर आ गया। इतने इजी क्वेश्चन है सर, यस बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन है। सेकंड पे आ जाइएगा, सेकंड क्वेश्चन है सर माइनस का 84 डिवाइडेड बाई किससे भैया, 12 से। तो माइनस 84 डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 7 जा कितना होता है सर, माइनस का 84 होता है, बिल्कुल जी बिल्कुल होगा। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड कह रहा भैया माइनस 76 बाई किससे, 19 से सर। तो कर दीजिए भाई माइनस 76 अपॉन 19, तो 19 बन जा 19, 19 जुदा 38, 93 जा 57, 94 जा 76। तो कितना आंसर आया भैया, माइनस का 4 आंसर आ गया। तो ये थर्ड पार्ट हमारा यही हो गया कंप्लीट। इसके बाद आइए हम लोग फोर्थ पार्ट पर अपने चलते हैं। कौन से पार्ट पर चलेंगे, फोर्थ पार्ट पर। देखिए इससे इजी और हो भी क्या सकता है ये बताइए आप मुझे, है ना, बहुत इजी है। थर्ड के बाद आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर अपने सर, फोर्थ पर। जब तक आप लोग एक बार लाइक करेंगे जरा वीडियो को जोरदार धमाके से, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिए वीडियो का। तो क्या है भैया, माइनस का 132 अपॉन 12। देखिए 12 बन जा 12 कैरी 1, कितना हो गया 12, 12 बन जा 12, तो कितना आ गया आंसर सर, माइनस का 11 हो गया, बिल्कुल जी आ गया। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो फिफ्थ लिखा है सर माइनस का 150 बाई 25। तो कैसे लिखेंगे, 150 अपॉन 25, और 25 सिक्सा होता भी है ना, 25 सिक्सा। तो कितना आंसर आ गया सर, माइनस। देखिए माइनस का ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन में माइनस ही मीन है ना, ये बच्चा है 65 तो 30 और 62 जो 12, 12 और 3 50, बिल्कुल ठीक है। सिक्स पार्ट देखेंगे भाई, सिक्स में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ भाई है तो बहुत इजी, माइनस 72 बाई माइनस 18। अब देखो ध्यान से भाई, माइनस 72 है और माइनस का ही क्या है यहाँ पर, 18 है सर, माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई। तो 72 अपॉन 18, 18 4 जा, तो कितना आंसर हुआ सर, 4 आंसर। कितने पार्ट हो गए सर, तो चुटकियों में 6 पार्ट हो गए। कौन से पार्ट पर आ गए सर हम, सर अब हम आ गए अपने 7th पार्ट पर। कौन से पार्ट पर, 7th पार्ट पर। चलिए तो अभी तक अगर आपने अभी तक यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी तो न्यू वीडियो पड़ेगी डाली जाएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। अब आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी कैसे आएगा, फिर आप वीडियो ढूंढेंगे, आप फंसेंगे, प्रॉब्लम में आएंगे कि सर वीडियो नहीं मिल पा रहे। तो आप सभी ने अभी तक नोट्स कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप दे सकते हैं। तिवारी क्लासेज आप लोगों के साथ कोरोना काल से है, और यहाँ पर आपको बिना किसी फीस के आप लोगों को यहाँ वीडियोस आपके कोर्स की सिलेबस के आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग आ गए अपने 7th पार्ट पर, और 7th क्या कह रहे हैं उसको आइए हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो आप कहेंगे नो सर कोई हमको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए इनको तो हम कर ही देते हैं रफ, आप लोग आराम से इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ये है कौन सा पार्ट भाई, 7th। सिक्स तक कर दिए, 7 देखो भाई, 7 कह रहा है सर माइनस का 105 बाई किससे, माइनस के 21 से। तो माइनस 105 अपॉन में कितना, माइनस का माइनस से माइनस सर कैंसिल, बिल्कुल जी कैंसिल, इसको कर देते हैं अपना। अब क्या बचा सर, यहां बचेगा सर 105 अपॉन 21 और 21 5 जा कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड क्या है तो सबको आते ही होंगे। अब आगे जी 8th पार्ट पर आ जाइएगा, कौन से पार्ट पर आए सर हम, सर 8th पार्ट। 8th कहता है
माइनस 36 बाई माइनस 1। तो देखिए माइनस 36 और नीचे कितना सर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल और कितना आ जाएगा 36। देखिए हमने स्टेटमेंट्स आप लोगों को बताया था कि इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद जीरो, किसी भी नंबर को हम जीरो वन से डिवाइड करते तो नंबर को खुद आता है ना, इफ वी डिवाइडेड एनी नंबर बाय वन देन वी गेट ऑलवेज नंबर इटसेल्फ। तो ये हो गया भैया एट्थ पार्ट। एट्थ के बाद आ गए हम लोग स्टूडेंट नाइन्थ पार्ट पर। देखिए क्या कहता नाइन्थ पार्ट, कह रहा है जीरो बाई माइनस 31। देखिए ये भी एक स्टेटमेंट था हमारा, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो देन वी गेट ऑलवेज जीरो। याद है स्टेटमेंट, इफ वी डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज जीरो, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा जीरो। ये मत कहना सर माइनस लगाओ, अब माइनस नहीं लगेगा बिकॉज जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि सब हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए भी है। ठीक है हो गया जी नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ के बाद हम सर आ गए अपने टेंथ पार्ट पर। टेंथ कहते हैं सर माइनस 63 बाई 63। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, 63 अपॉन 63 बन जा 63 आंसर माइनस 1। ठीक है इलेवेंथ में आ जाइएगा आप, इलेवेंथ पार्ट क्या कहता है, इलेवेंथ कहता है माइनस 23 बाई 23। तो देखिए ध्यान से माइनस 23 अपॉन माइनस 23, माइनस से माइनस कैंसिल 23 बन जाए 23, आंसर कितना आ गया 1 आ गया सर, कितना आ गया माइनस 1 से 1, माइनस से माइनस कैंसिल 23 बन जाए 23। अब आ गए हम लोग इसका लास्ट, क्या होमवर्क दिया जाए तो आप लोग कहेंगे नहीं सर होमवर्क ही मत दे दो सर, बस सर ये होमवर्क ही हमारा दुश्मन है, ऐसे कमेंट्स आते हैं भाई साहब अगर दे दिया तो कमेंट्स ही लगी लगाते सर होमवर्क ही मत दे देना बस आप। तो भैया नहीं देंगे हम, सारे करा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस 8 बाई इससे 1 से, तो माइनस 8 अपॉन 1 कितना आंसर होगा माइनस 8। ये स्टेटमेंट पहले बोल चुके हैं इसलिए स्टेटमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स पर हम लोग आ चुके हैं, अब देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। देखिए कितनी इजी एक्सरसाइज है, कितने हमारे सिंपल सिंपल से हमारे ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए भैया फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है आप लोग जब तक इनको नोट कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स सब स्टेटमेंट्स वाले हैं। देखिए अब आप लोग प्रॉब्लम में मत फंस जाना। फर्स्ट पार्ट कहता है 72 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करें कितना आए माइनस का 4, किससे डिवाइड करें माइनस 4 आए तो कहेंगे सर माइनस 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है सेकंड पार्ट आइए माइनस 36 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करें कि सर माइनस 4 आए, सर 9 से डिवाइड कर दो सर माइनस 4 आ जाएगा, ये आंसर है आपके, डबल लाइन कर देते हैं ना। थर्ड आ जाइएगा, थर्ड कहता है भाई किससे डिवाइड करोगे कि माइनस 4 से कर दें 24, किससे क्या करें कि 24 आए, नहीं 24 आए हाँ, तो 96 को सर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, अच्छा माइनस में आंसर लाने के नहीं प्लस है तो यहाँ माइनस 5 जाएगा। ठीक है हो गया क्या आंसर लो। फोर्थ देखिए क्या कहता है, फोर्थ कहता है किसको डिवाइड करें माइनस के 25 से कि कितना आ जाए जीरो, तो हमेशा जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आप हमेशा क्या आएगा जीरो। फिफ्थ पार्ट आ जाइए भैया, फिफ्थ कह रहा है किसको डिवाइड करें हम लोग माइनस 1 से कि 36 आ जाए, अरे भैया जब माइनस के 36 को डिवाइड करूंगा माइनस 1 से जब भी तो आएगा, बिल्कुल सर वही बात है। सिक्स पार्ट हुआ, देखो भाई फिफ्थ पार्ट हो गए हमारे, अब आइए नेक्स्ट पार्ट से, अब हो गया होगा आपका सभी का है ना, अब तो आप सबका हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो फाइव पार्ट हमारे ये हो गए, आइए जी सिक्स पार्ट को देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। सिक्स में कह रहा है कि किसको डिवाइड करें वन से कि माइनस 37 आ जाए, तो देखिए माइनस 37 को जब डिवाइड करोगे वन से जब भी तो माइनस 37 आएगा, बहुत सिंपल है। सिक्स के बाद आ जाइए सेवंथ पार्ट पर, सेवंथ कह रहा है 39 को डिवाइड करना है और किससे करें कि कितना आ जाए सर माइनस का 1, तो भैया माइनस के 39 से कर दो 39 बन जा 39 और माइनस का 1। एट्थ पार्ट देखो भाई, एट्थ कह रहा है कि 1 को किससे डिवाइड करें कि माइनस का 1 है, भैया 1 को तो माइनस 1 से ही कर दो तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ये आंसर है। एट्थ के बाद आ जाओ भैया लास्ट पार्ट है नाइन्थ वाला, क्या कहता है माइनस 1 को किससे डिवाइड करें
किससे डिवाइड करें कि माइनस का वन आ जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब ये मत करना कि हम माइनस वन लिख देंगे, नहीं, डिवाइड पे चेंजेस है। यहाँ माइनस वन था तो यहाँ क्या जाएगा, वन, क्यों, माइनस वन अपॉन वन, तो आंसर इज माइनस वन। बात समझ में आ रही है, आप समझना ध्यान से। ऐसे यहाँ पे वन अपॉन माइनस वन, इस वाले का देखो सॉल्यूशन और ये इसका सॉल्यूशन, तो आंसर कितना, दोनों में डिफरेंस है कुछ, माइनस का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ जी, कौन सा, सेकंड। सेकंड के बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, और थर्ड क्या कह रहे हैं उसको आइए देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। चलिए एक बार आप लोग सभी से जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे कि स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। तो चलिए इसको कर देते हैं हम लोग रफ, और क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने थर्ड पर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कहता है। जीरो डिवाइडेड बाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सेकंड कहता है माइनस सिक्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं जीरो से तो जीरो आता है। थर्ड कहता है कि माइनस फाइव को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं माइनस के वन से तो कितना आता है, माइनस फाइव आता है। फोर्थ में कहता है स्टूडेंट माइनस का एट है, डिवाइड अगर हम लोग करते हैं वन से तो माइनस का एट आता है। पहले इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आप लोगों ने इतने कर लिए होंगे आई होप, ऐसी आशा है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है स्टूडेंट कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारी वन का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, थर्ड। देखो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है ना। इफ वी डिवाइड जीरो बाई एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज जीरो, स्टेटमेंट ध्यान रखना। माइनस सिक्स है, डिवाइड जीरो से, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देंगे जीरो से तो क्या जीरो आएगा, सोचिए और समझिए। तो कभी ऐसा नहीं होगा, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाई जीरो देन ऑलवेज गेट इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड कहते, तो स्टेटमेंट विल फॉल्स। माइनस फाइव को माइनस वन से डिवाइड करेंगे, इसमें माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, फाइव। तो इन्होंने क्या दिया, माइनस फाइव, हमको पागल माना है, माइनस फाइव आंसर दे रहे हैं, ऐसे कैसे भाई, गलत है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, माइनस एट डिवाइड बाई कितना भाई, वन है। भैया कह रहा है माइनस एट को जब वन से डिवाइड करो माइनस एट आएगा, बिल्कुल सही है भैया, करेक्ट एकदम। कितने पार्ट हो गए, फोर हो गए। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट कौन सा है, फाइव है, फाइव है। फाइव कहता है माइनस वन को डिवाइड करो माइनस के वन से, आता है माइनस का वन। माइनस के वन को माइनस के वन से डिवाइड करो माइनस वन आता है, हमको पागल माने हैं क्या। अरे माइनस वन तो वन होता है सर, ये माइनस वन कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट विल फॉल्स। अब भैया आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, सिक्स पार्ट पर, और सिक्स क्या कहता है उसकी भी सुन लेंगे हम लोग। अब जब सबकी सुन ली तो इनको भी सुन लेंगे, होमवर्क तो देंगे ही नहीं, नहीं। कहते हैं माइनस के नाइन को माइनस वन से डिवाइड करो तो माइनस को माइनस कैंसिल हो गया, नाइन आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो स्टेटमेंट विल ट्रू। तो जल्दी से वीडियो हो गई हमारी कंप्लीट, आगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब एक्सरसाइज वन डी है आपकी एमसीक्यू, इसकी भी हम लोग बात करेंगे, फिर सीधे अपने चले जाएंगे हम चैप्टर नंबर टू पर, फ्रैक्शंस पर। तो यार एक बार ये बताइए कमेंट से, तो ईमानदारी से बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत जारी है। एक कमेंट्स और एक लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जहां ये किताबें आर एस अग्रवाल चल रही है, प्लेलिस्ट सब वीडियोस के अलग अलग बनी हुई, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डालना वहां क्या लिखना है, आर एस अग्रवाल बाई शिवम सर, आर एस अग्रवाल बाई तिवारी क्लासेस, आर एस अग्रवाल बाई तिवारी क्लासेस शिवम, आप सर्च करिए आपको तुरंत वीडियोस वहां पर खुल के आ जाएंगे। तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं क्लास 9 10th 11th 12th की, वो तिवारी क्लासेस इंग्लिश वाला जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां आप लोगों को इंग्लिश की वीडियोस मिलती रहती हैं। और हमारा एक चैनल तो आप लोगों को बताइए तिवारी क्लासेस ब्लॉग्स वाला जो चैनल हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज की वन डी पर हम लोग बात करें, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।